CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। नमस्कार, मैं हूँ राज पांडे, आप देख रहे हैं CEN News। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने देश में हुए CAA के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों की आत्म की शांति व प्रदर्शन में घायल पुलिस कर्मियों के स्वस्थ होने के लिए ऊपर वाले से दुआ की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बॉम्बे सैयद गेट पर AMU छात्रों द्वारा रोजा इफ्तार किया गया। इस रोजा इफ्तार में AMU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन ने AMU के बॉम्बे सोसाइटी गेट पर तैनात CO सिविल लाइन अनिल समानिया व ACM सेकंड रंजीत सिंह के अलावा वहां मौजूद सभी पुलिस कर्मियों को रोजा इफ्तार में दावत के तौर पर बुलाया। छात्रों के बुलावे पर पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी व पुलिस कर्मी छात्रों के रोजा इफ्तार में शामिल हुए और उनके साथ रोजा इफ्तार किया। रोजा इफ्तार में शामिल हुए CO अनिल समानिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिस तरह से छात्रों और पुलिस के बीच टकराव हुआ था उसके बाद दोनों के बीच काफी दूरी हो गई, लेकिन इस रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद एक दूसरे के करीब आने का मौका मिला है और हम चाहते हैं कि छात्रों और पुलिस के बीच भाईचारा रहे। वही AMU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन ने कहा कि उनके द्वारा CAA के प्रदर्शन में मारे गए लोगों व प्रदर्शन में घायल पुलिस कर्मियों के लिए दुआ मांगी गई थी। ये एक छोटा सा पार्ट है, वरना ये पूरे देश में आज के दिन सब लोगों ने रोज़ा रखा, खास करके मुसलमान मेजॉरिटी मुस्लिम ने रोज़ा रखा और अमन पूरे देश में फैल लाने के लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी जैसे पहले हिंदुस्तान था उसको लाने के लिए दुआ भी हुई है और अभी भी कुरान खानी भी दोपहर में इससे पहले हुई असर की नमाज वही 4 बजे के बाद और कुरान खानी भी चलती रही 3 से 5 बजे तक के कंटिन्यू, उसमें दुआ भी हुई है। हमने दुआ उन लोगों के लिए जो घायल हुए हैं और जो इंतकाल कर गए हैं उनकी मगफरत के लिए, उनके घर वालों के लिए सब्र के लिए हुआ है। इंक्लूडिंग घायल ये नहीं कि स्टूडेंट हुए हैं या आम नागरिक हुए हैं बल्कि जो पुलिस ऑफिसर भी घायल हुए हैं हम उनके लिए भी दुआ कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ ये भी कर रहे हैं कि जो सरकार हम लोग से नफरत अगर रख रही है वो ख़त्म कर दे, जिन लोगों की भी हम लोगों से नफरत है वो ख़त्म कर दे, अमन आ जाए, हम सब लोग एक साथ हैं इंशाल्लाह। आपस में देख रहे हैं क्या नफरत हुई है कि एक दूसरे का जो क्लैश हुआ जिससे ये इतना ज़्यादा अननेसेसरी सिचुएशन, खास करके जो 26 जाने हमारी चली गई और बहुत लोग घायल हो गए, चाहे वो हमारे स्टूडेंट घायल हुए, हाथ चला गया, कुछ पुलिस ऑफिसर भी घायल हुए, उनके घर में परेशानी है, तो ये कभी नहीं हुआ था इतना पैनिक पूरे देश में। ये ख़त्म हो जाए, आपस में मोहब्बत फिर से आ जाए और जो ये कायब और NRC का मामला चल रहा है हम सरकार से यही दरख्वास्त करेंगे कि उसको वापस ले लें और एक अमन का पैगाम दे सरकार अपनी तरफ से बैठ करके। इस हमारे SM सेकंड साहब थे और CO साहब थे और हमारे थानेदार साहब थे भी और बाकी और पुलिस ऑफिसर भी थे, तो ये काइंड जेस्चर है, उनका बड़प्पन भी है, हमारे मीडिया वाले भी आए साथ में, हमारे सारे लोग जो आए आप लोग भी आए, ये हमारे लिए बहुत मुबारकबाद है। देखिए आज शाम को छात्र नेताओं द्वारा मुझे SM2 इंस्पेक्टर सिविल लाइन CO बरला, हम लोग यहाँ गश्त में थे, इन लोगों ने हमसे निवेदन किया कि सर आप अंदर आइए और आप हमारे साथ रोजा इफ्तार करें। चूँकि छात्रों ने प्यार से बुलाया था हम उनके निमंत्रण पर गए और उनके साथ हम लोगों ने भी रोजा इफ्तारी की, हमें अच्छा लगा, हम शांति चाहते हैं, अगर हमारा छात्रों के साथ बैठने शांति कायम हो तो हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। छात्रों ने बहुत प्यार से अंदर बुलाया था और अपने साथ बैठाकर उन्होंने हमें रोजा इफ्तारी कराई, हम उनके धन्यवाद अदा करते हैं।